हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम आइसोमेट्रिक पहले निकाला है स्क्वायर पिरामिड का, उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू देखेंगे। व्हाट इज स्क्वायर पिरामिड, वो हमने पहले ही डिस्कस किया। बेस उसका स्क्वायर और ये ट्रायंगल तैयार होते हैं उसका एपेक्स, और इसका टॉप व्यू पहले देखेंगे। तो ऊपर से दिखते समय ये सेंटर बीच में जाता है, सेंटर एपिक्स, और ये एजेस ग्राउंड का जो येलो कलर पोर्शन है ये स्क्वायर, ऊपर से दिखते समय ऐसा दिखेगा। ये ब्लू कलर साइड का और टॉप का और फ्रंट का जो रेड कलर है वैसा दिखेगा। फ्रंट से दिखते समय ये रेड कलर ही दिखेगा ऐसा, और साइड से देखते समय ब्लू कलर। तो ये फ्रंट और ये साइड, वाई जो दिया है वो राइट साइड पर दिया, इसलिए फ्रंट राइट साइड में आएगा। अभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू एक्चुअली कैसा ड्रॉ करने का वो देखिए। पहले बेस लाइन हम लेके उसके पहले कितना डिस्टेंस ले लगेगा इस पेज पर वो पहले देखने का। उसकी लंबाई है 70, लेंथ विड्थ का डिस्टेंस है 70 और हाइट का डिस्टेंस है 100। तो हमको कितनी जगह लगेगी एक्चुअली। फ्रंट तो इधर आएगा, ऊपर टॉप आएगा और इधर साइड आएगा, क्योंकि इधर आदमी राइट व्यूअर या ऑब्जर्वर राइट में खड़ा है, इसलिए ग्राउंड पर फ्रंट व्यू आएगा, ऊपर टॉप और लेफ्ट साइड से साइड व्यू आएगा। फ्रंट में दिखते समय ये से भी 70 दिखेगा, सेम 70 ऊपर जाएगा। लेंथ का डिस्टेंस, हाइट का डिस्टेंस है 100, तो ये समझो 100 है, ये भी 100, इसका भी 100 होगा, सेम डिस्टेंस हाइट का। और विड्थ का इधर से आएगा वो 45 डिग्री से 70 डिस्टेंस है लेफ्ट साइड से, और ये भी 70 हो जाएगा। यानी टोटल बीच में 30 छोड़ेंगे तो 70 प्लस 30 यानी वो इक्वल टू 170 हो गया। और हाइट का देखेंगे तो वर्टिकल 100 प्लस 70 प्लस 30 यानी 200 हो गया। ऊपर से नीचे तक 200 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 170, ऐसा पहले पेज पर लेने का। इस पर फिर बेस लाइन से शुरू करेंगे। ये बेस लाइन समझो ग्राउंड को पैरेलल, ये बेस लाइन हो गया। बेस लाइन पर कितना डिस्टेंस आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 170, तो यहाँ से यहाँ तक 170 लिया, और इस पॉइंट से दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। स्केल लेंगे तो भी चलेगा, बेस को एडजस्ट करके इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन निकाला और इस पॉइंट से भी वर्टिकल लाइन निकालने का, तो आगे बढ़ाने का। ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, सेम परपेंडिकुलर लाइन ही आएगा। और इस लाइन पर हमें लेना है अभी 200 ग्राउंड से, इधर तक आया 200, इधर से ग्राउंड से आया 200। मैं थोड़ा फास्ट निकाल रहा हूँ इसलिए बाद में आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ये बेस लाइन इधर पकड़ा, बाद में इधर से एक्यूरेट यानी रेक्टेंगल तैयार हुआ। इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर हमको ये तीन व्यूज बिठाने हैं। तो इधर से हमको समझ में आता है कि ऊपर का 70 बाय 70 है, तो इधर से 70 लेंगे और इसका हाइट का भी ऊपर से नीचे 70 लेंगे। इधर से कितने 100 है, तो इधर से भी 100 और 70 लेंगे नीचे। इधर से कितना है 70, वर्टिकल हाइट भी 100 है। अभी सिंपली ज्वाइन के करने के बाद हमको तीन रेक्टेंगल मिलेंगे। ऊपर का स्क्वायर है, ये फ्रंट के दो रेक्टेंगल है, ऐसे मिलेंगे। ये
इधर से परपेंडिकुलर लाइन निकालना पड़ेगा। और इसका हाफ किया तो 15 आएगा, इसका भी हाफ किया, बीच का डिस्टेंस जो है उसको 30 का हाफ किया, 15 आएगा। और उधर से हमको परपेंडिकुलर लाइन निकालना, वो एक्सिस हो गया, एक्सिस थोड़ा डार्क कर सकते हैं, एक्सिस हो गया ये वर्टिकल लाइन एक्सिस का, यानी रेफरेंस लाइन बोलते हैं उसको, थोड़ा फिक्स करके वर्टिकल लाइन निकालेंगे तो एक्सिस हो गया। अभी फ्रंट का जो ट्रायंगल दिखता है वो पहले नहीं निकालने का, पहले टॉप व्यू इजीली निकाल सकते, इसलिए टॉप व्यू पहले निकालने का, हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप व्यू के लिए दोनों क्रॉस करेंगे, पहले जो इजी काम है वो पहले करेंगे, टॉप का दोनों क्रॉस निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली एपिक्स आ जाएगा, सेंटर पॉइंट इधर होगा, यानी एपिक्स हो गया ओ पॉइंट। रेक्टेंगल भी अपने स्क्वायर भी डार्क करेंगे तो ये टॉप भी पूरा हो गया, टॉप व्यू होने के बाद अभी फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू लिए एपिक्स का जो पॉइंट है वो नीचे लेना पड़ेगा, इधर से सेंटर पॉइंट है वो नीचे लेंगे, इतना ही लेंगे क्योंकि हमको ये पॉइंट जरूरी है, इस पॉइंट से ये सिर्फ ज्वाइन करने का, इधर से ये जो लाइन बढ़ाया ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिधर मिलता है वो पॉइंट, और ये दोनों एक्सिस मिलते उधर का पॉइंट मिला के ये 45 एंगल तैयार होगा। उस पर जिधर कट हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर जिधर कट हुआ वो वर्टिकल लिया था, वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिधर 45 डिग्री को कट होगा वो वर्टिकल ले सकते, यानी प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको, ये वर्टिकल लिया तो ये सेंटर वो एपिक्स आया, तो एपिक्स इधर ज्वाइन करने का, ये स्लैंट एजेस मिले दो साइड की, और ये बेस का लाइन, इस तरह से हमने जो नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन को रब कर सकते, अभी ये डार्क नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन है, पेंट ही रहना होगा, रखना होगा, क्योंकि ये डार्क करेंगे तो उसका मतलब ये बॉर्डर लाइन हो गया, तो डार्क नहीं, थोड़ा एकदम पेंट होना चाहिए। और डायमेंशन देते समय ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ा पेंट होना चाहिए, नहीं तो आउटलाइन की जितना डार्क करेंगे या थोड़ा भी डार्क करेंगे तो उसका एजेस है ऐसा समझ में आता है, सिर्फ एजेस है, आउटलाइन है वो सिर्फ डार्क रहेंगे। और डायमेंशन लाइन देते समय पेंट या थिन लाइन जैसे रहेंगे, अभी इसको एक्सटेंशन करना पड़ेगा, इधर से एक्सटेंशन किया, इधर भी एक्सटेंशन, और इधर डायमेंशन दिया टोटल हाइट का 100 और ये स्क्वायर 70, इसकी यानी एब्रीवेशन है या उसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, तो इसके लेवल में ही ये डायमेंशन दिया, एरो बराबर एक्सटेंशन लाइन को टच होना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये डायमेंशन हो गया स्क्वायर, स्क्वायर दिया तो बाकी का एजेस सेम है ऐसे समझ में आता है, तो उसका डायमेंशन वापस दूसरा नहीं देना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर 70 टॉप हो गया, फ्रंट का हाइट का एक्सिस का वर्टिकल डिस्टेंस 100 है, स्लैंट ये दिखाया इसकी वजह से ये पूरा हो गया। अभी सामने से ये दिख रहा है तो फ्रंट हो गया, ऊपर से टॉप
और लेफ्ट साइड से साइड देख रहे हैं तो साइड लिखने का, बीच में एक गैप छोड़ने का तीर, क्योंकि ऊपर थोड़ा जगह रहेगा तो उधर लिख सकते हैं, इधर डायमेंशन दे सकते हैं। इसका हाइट सेम है, लेंथ भी सेम है। अच्छा, आज के लिए उतना ही। ओके, थैंक यू।